इसका डुअल फंक्शन हमें नहीं पता कैसे होता है. सो ये अभी सिर्फ एक की वॉल्यूम ज्यादा कैच कर रहा है विच इज माइन. सो दैट्स व्हाई आई एम स्लीपिंग स्लो. स्लीपिंग स्लो. दीक्षा वांट्स टू एक्चुअली स्लीप गाइस. इट्स 4:30 इन द मॉर्निंग एंड आई जस्ट वांट टू स्लीप एंड गो टू माय बेड. तो सबकॉन्शियसली इसके थॉट्स में वर्ड्स में सब यूज रहा है. बट दिस इज द सेकंड थर्ड टाइम एक्चुअली वी रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट. हम इससे पहले कर रहे थे, पूरी वेव्स वगैरह ऊपर चली गई थी एंड हम उस क्वारंटीन और पैंडमिक और इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे. वी वर टॉकिंग टू आवर कजिन एंड वो हमें बता रही थी कि हाउ शी इज डीलिंग विद इट एंड इतना बोरिंग हो गया एंड जो भी बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन इज गोइंग थ्रू दिस राइट नाउ. एंड दीक्षा वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड. या आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड एंड शी जस्ट क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी ऑन obviously on FaceTime. What do you do when someone cries? I don't know. I feel like you the best way to like console someone is to just hear them out. I feel like क्योंकि ना मुझे मैंने कहीं पर सुना भी था like you were listening to some podcast and there was a girl I don't know किसका podcast था. She was telling someone's boyfriend you just have to listen to your girlfriend. You don't have to like tell her what to do and what not to do. You just have to be there and listen to her. Yeah, but how do you like to be treated when you're crying? तुझे कैसा पसंद है? Yeah, same. मेरे को ऐसा ही फील होता है कि कोई मेरी सुने एंड मतलब तुझे कोई एडवाइस ना दे उस टाइम पे. नहीं उस टाइम नहीं. आई एक्चुअली नहीं, मेरे को ऐसा नहीं एडवाइस चाहिए कोई उस टाइम पे. मुझे नहीं लगता कि मैं एडवाइस ले पाऊंगी उस टाइम पे. मुझे ऐसा लगता है कि बस सुने कोई, मतलब बी देयर, जस्ट लिसन टू मी, देन जस्ट टॉक क्यूट स्टफ विद मी. ऐसा. और मुझे ऐसा लगता है मेरे को कोई समझाए बट नॉट इन अ डोमिनेटिंग मैनर कि नहीं ऐसे कर ऐसे कर, जस्ट बीइंग देयर एंड या लिसनिंग टू माई थॉट्स. एंड मेरी थॉट्स को मुझे पता है इफ आई एम थिंकिंग नेगेटिव तो उसको साइलेंस करके पॉजिटिव करे. क्योंकि आप रोते कब हो जब आपको. एंड मेरे को रोने से याद आया मेरा एक बार ब्रेक डाउन हुआ था एंड प्राकृति आई वी डोंट टॉक दैट मच. शी इज अ रियली गुड फ्रेंड बट वी आर नॉट ऐसे फ्रेंड्स नहीं हम कि हम हर दिन बात कर रहे हो या फिर मतलब जब भी कुछ बड़ा होता है लाइफ में या बट ऐसे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं जिनके साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कुछ नहीं होती बट हर दिन कॉल नहीं करना. कोई एक्सप्लेनेशन तो शी कॉल्ड मी अप व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग एंड शी इज लाइक यू गोइंग थ्रू समथिंग नो एंड शी इज वन पर्सन एक्चुअली नॉट इवन यू और anyone, my relation, नहीं नहीं मैं जिनके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो ना, जैसे मैं तेरे और आदित्य के बहुत ज़्यादा क्लोज हो ना, तो मुझे लगता है कि नहीं मेरे को इनको बॉदर नहीं करना. वो मुझे इट इज नॉट अ गुड थिंग. मैं अभी तुझे समझा रही थी. हाँ दीक्षा टू कम आउट विद योर इमोशंस लाइक जो तू फील कर रही है. शी हैज दिस बिग मदरली फिगर यू गाइस. इसको ऐसे होता है कि मैं किसी को बॉदर ना करूँ जो ये मुझे बोल रही है अभी कि इनको मैं टेंशन ना दूँ. बट आई फील लाइक तुझे ये सब चीज़ें दिखानी पड़ेंगी. बट तुझे नहीं लगता हमें शुरू से ये माइंड में डाला जाता है बीइंग अ गर्ल, नॉट पर्पसली बट सोसाइटी फैमिली ये वो, कि बीइंग अ गर्ल यू हैव टू सैक्रिफाइस योरसेल्फ, योर नीड्स, योर एवरीथिंग. सो मुझे ऐसा लगता है मेरी शुरू से ऐसी अपब्रिंगिंग भी हुई है या मेरे फ्रेंड्स या जो भी, मैं ऐसे किसी पे भी ब्लेम नहीं करूँगी, जस्ट सोसाइटी वगैरह जो भी रहे थे कि चुप हो जाओ, रोना है चुप हो जाओ, किसी को मत दिखाओ, पेन मत दिखाओ, ये मत दिखाओ, बिकॉज यू आर अ गर्ल यू हैव टू टॉलरेट दिस. बट दैट कम्प्लीटली बुलशिट. एंड जब आप ग्रो करते हो आपको तब जाके रियलाइज होता है दैट योर थॉट्स आर रॉन्ग. इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग स्पीक अप. अभी मुझे दीक्षा भी ये समझा रही थी एंड आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट आई रियली नीड टू वर्क ऑन. यू नीड टू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस. या बिकॉज मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ओ मैं किसी का टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ओ मे बी मुझे उसके बाद छोड़ दें. जैसे तुझे लगता है ना कि मुझे अभी सॉल्व करनी है लड़ाई कि तू मैं तेरे बारे में क्या सोच. बट तुझे गलत लगता है ना ऐसे छोड़ दे. जब तू आउट देयर नहीं होगी विद योर इमोशंस हमें क्या पता लगेगा. अच्छा यू आर फीलिंग समथिंग. बट मेरे को ना ये इसलिए लगता है क्योंकि ये डीप रूटेड शुरू से बचपन से ये था कि उस जैसे ग्रुप या फ्रेंड वगैरह में वो कितनी बोरिंग है वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओ मैं बोर ना कर दूँ तो मुझे कोई छोड़ के ना चले जाए. वो अबैंडनमेंट का डर नहीं लगता कि याद भी नहीं होगा बोल चुकी है. अच्छा सो आई एम बोरिंग, सो अच्छा यू आर सेइंग दैट आई एम बोरिंग. ऐसा कुछ नहीं यार, सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है. एंड आई फील लाइक कि तुम जा रहे हो, अगर तुम कोई पार्टी कर रहे हो दैट्स माई पर्सनालिटी. एंड ऐसे इतनी बार होता है कि मैं पार्टीज में जाकर भी लोनली होती हूँ, यू नो.
और या फिर मैं कभी पार्टी जा रही हूँ तो मैं अपने पेन को दबाने के लिए जा रही हूँ वहाँ पे पार्टी में, अभी कोई भी गो थ्रू कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, और मेरा एस्केपिज्म इज पार्टी. मेरे को अगर कहीं से भी मतलब काम वाम से कुछ भी एस्केप चाहिए होता है, आई वॉन्ट टू गो आउट समवेयर एंड ड्रिंक एंड बी इन लाइक ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे मैं उनको जानती भी ना हूँ. बट तेरा बिल्कुल ऐसा एस्केप का डिफरेंट है, तू अपने क्लोज वंस के साथ होना चाहती है. एंड मैं मेरा भी सेम है कि मैं क्लोज वंस के साथ होना चाहती हूँ, लेकिन क्लोज वंस भी 100 पीपल के साथ सराउंडेड हो. बट नो 100 पीपल बट राइट नाउ इट्स कोरोना टाइम एज यूजुअल डिविएटिंग फ्रॉम द ओरिजिनल टॉपिक. सो प्रकृति वाज जस्ट शी वॉज जस्ट देयर एंड शी इज लाइक मुझे जो भी है ऐसे वो मुझे आप बोलती है, लाइक लिटरली हम दोनों सेम एज के हैं, और मुझे बोलती है आप उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है पता है, शी हैज अ ब्रदर हु इज माय फ्रेंड. बट सॉरी मैं इसको कट कर रही हूं, बट दीक्षा के थ्रू वो मेरी फ्रेंड बनी, इसकी भी स्टोरी बताएंगे बाद में. चल ठीक है. प्रकृति दीज ब्रदर इज माय फ्रेंड, सो हिज नेम इज विश्वास. सो शी मेट प्रकृति थ्रू मी when she was going through a breakup. breakup ho gaya tha, hone wala ho gaya tha na, she was going through a breakup and she doesn't like to go to parties that much, but still she went with me like to his cafe, and wahan par Prakriti thi aur wahan par ye dono mile and they connected like really quick, they connected really quick, and fir un dono ki baat start hui. Then she is really close to her, she doesn't talk to her that much, but she is really close to her. I know if I need her she'll be there. Yeah. And if she needs me, I'll be there. और विश्वास भी ऐसा ही, you know, विश्वास is like that comfort friend, you know. हाँ. मेरी विश्वास से बिल्कुल बात नहीं होती, but I know अगर मैं उसको call करूँगी, he'll be there. He'll help me with everything. And वो भी ऐसे ही बोलता है, आप कर, और मतलब खुद को इतनी शर्म आ जाती है, हमें भी मैं तू नहीं बोल पाती, मैं भी मेरे जितना ही, मतलब he's like a year older to me, but still मैं ऐसे बोलती हूँ, अच्छा आप क्या कर रहे हो विश्वास, वो खुद को ऐसे अंदर से ऐसा शर्म से आ जाती है. बट शी इज़ वेरी वेरी नाइस. उन्होंने बोला वट आर यू गोइंग थ्रू, सो निकाल दो बाहर निकाल दो, एंड आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मुझे हुआ कैसे. होता है ना कभी कभी आपको कोई इतनी इंपॉर्टेंस देता दैट यू एक्चुअली फील यू कैन शेयर योर स्टफ. मुझे आई फेल्ट हर्ड कि कोई अपना टाइम दे के मुझे बस रोने दे रहा है अपने सामने. सो आई फेल्ट रियली नाइस. या सो मैं सिर्फ ये टॉपिक इसलिए आया है अबाउट फ्रेंड्स, एंड all you at the end of the day all you need is someone who's just there listening to you. Exactly. And wo mujhse baad mein bhi follow up karti rahi thi, are you okay, are you okay, and when she knows ki chalo I'm sorted, I'm okay, aur mujhe pata hai wo khush hai, to hum dono ek dusre ki life mein ab busy ho jayenge, kyunki specially aaj kal itna sab kuch chalta rehta hai, hum kisi ke sath itna touch nahi. I should call her tomorrow. Yeah, I'm gonna call her tomorrow for sure. Yeah. But isse mujhe yaad aaya, hum bahut hi debate kar rahe hain apne topic se, but isse mujhe yaad aaya matlab last night I was talking to my friend, he was discussing about his relationship life. So he was like, Deeksha, main relationship mein aaya and I met this girl. So main aise detail mein nahi bataungi, obviously uski personal life hai, but he was like, I met this girl and I told her that I don't want any serious kind of relationship because I'm not ready abhi for commitment and everything. And maine usko pura sab kuch starting mein clear kar diya, but she was like, haan theek hai, mereko bhi koi serious relationship nahi chahiye. So and fir uske baad he was like ki theek hai, hamara sahi chal raha tha, because us दैट गर्ल उसको कैनेडा शिफ्ट होना था आई थिंक सो, या फिर शी वॉज गोइंग टू अ लाइक बर्थ प्लेस ओनली, आई डोंट नो, आफ्टर कोविड एंड एवरीथिंग. तो ऐसा था उनका, तो उनको अपार्ट मतलब होना ही था एक दूसरे से अलग. तो लाइक और वो वैसे भी इमोशनली अटैच नहीं होता किसी से. तो अब ब्रेकअप होने के आफ्टर 2 months शी कॉल्ड हिम एंड शी वॉज क्राइंग ऑन द फोन, एंड शी लाइक यू आर हार्टलेस पर्सन एंड यू डोंट हैव हार्ट, यू आर नॉट इवन अ ह्यूमन बींग, यू डोंट फील सच स्टफ, लाइक यू ब्रोक माई हार्ट एंड एवरीथिंग. एंड देन ही कॉल्ड मी अगेन, ही वॉज लाइक, लिसन आई एम अ हार्टलेस पर्सन. मैंने कहा और आई स्टार्टेड लाफिंग, आई वॉज लाइक, अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ तेरी उससे बात हुई है? लाइक हाँ मेरी उससे बात हुई है, एंड शी कॉल्ड मी हार्टलेस. मैं कहता हूँ मैं हार्टलेस हूँ. मैंने कहा यार देख, ऑब्वियसली यू आर नॉट हार्टलेस फॉर मी, तो सामने से कोई बोले हाँ. बट मेरे को लगा यार ऑब्वियसली यू आर नॉट हार्टलेस फॉर मी, क्योंकि तूने मेरे साथ गलत नहीं करा. बट अगर एक लड़की के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, व्हेन एवर यू आर ऑन दैट पोजीशन जहाँ पर आप ब्रेकअप कर रहे हो जाकर, तो आप ऑटोमेटिकली हार्टलेस पर्सन बन जाते हो अपने सामने. मतलब लाइक लिसन, यू आर नॉट हार्टलेस पर्सन फॉर मी, बट यू माइट बी हार्टलेस पर्सन फॉर दैट गर्ल, बिकॉज तूने उसका ऑब्वियसली ब्रेकअप कराया. तो लाइक मैंने पूरा पहले ही क्लियर करा था. देयर आर लाइक कि लड़कियाँ इतनी ज़्यादा इमोशनल होती है कि उनको पता होता है कि इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, बट स्टिल वो इतनी जल्दी अटैच हो जाती है किसी से भी. मतलब इन सेकेंड्स दे गेट अटैच्ड. मैं अभी खुद का भी देखूँ तो मैं भी इतनी जल्दी अटैच हो जाती हूँ. मैं जब मुझे पता होता है कि हाँ मुझे नहीं अटैच होना यार, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू थिंग्स एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आप इतनी जल्दी अटैच हो जाते हो किसी से. एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स टू बी लव्ड. या दैट्स द ओनली थिंग एवरीवन वांट्स. बट मुझे लगता है लड़कियों का ज़्यादा प्रॉब्लम है यार, वी गेट अटैच रियली ईजिली. मतलब ऑब्वियसली अपनी जगह पे गलत नहीं था कि उसने पहले ही क्लियर करा था, अगर कुछ करा नहीं उसने उसके साथ गलत, बट स्टिल ब्रेकअप करा अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल,
इट वॉज बैड. बट मुझे नहीं पता वो अच्छा ठीक नहीं. बट अगर शुरू से आपके रूल्स डिफाइंड हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए अगर आप जो भी रूल्स डिफाइन कर लो, एक बंदा जरूर हर्ट होगा, क्योंकि एक बंदा ज्यादा सीरियस हो जाता है रिलेशनशिप में, चाहे दूसरा बंदा फ्रेंड्स विद बेनिफिट चाहे ऐसा कुछ भी लेके चले. लव आजकल में भी दीपिका पादुकोण को पता था सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण को अलग होना है, बट फिर भी वो हर्ट हुई, फिर भी उसकी उसने अपनी शादी तोड़ी एंड वो सैफ अली खान के लिए उसने वेट नहीं करा, बट आ गया फिर भी उसकी लाइफ में वो. क्योंकि कभी ना कभी यार ह्यूमन इमोशन है, आप जितना भी किसी के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो, ऑब्वियसली आपके वो इमोशन डीपर एंड डीपर होते रहेंगे धीरे धीरे. एंड उस मुझे लग रहा है खरबंदा भी अपनी जगह गलत नहीं है और वो लड़की भी अपनी जगह गलत नहीं है, बट अगर दोनों ने डिफाइन कर दिया था पहले तो अगर सभी ग्राउंड रूल्स सेट थे, सब सेट था तो बट हमें नहीं पता ना पूरी स्टोरी, क्या पता कुछ भी ट्विस्ट हुआ दोनों की साइड से. तो मैंने उसको ये बोला, वो बोलता मैंने कहा तूने वैलेंटाइंस पर फिर गिफ्ट वगैरह से शो करके इंपॉर्टेंस क्यों शो करी तूने अपनी गर्लफ्रेंड को, दैट यू गिफ्टिंग हर समथिंग एंड यू आर टेकिंग हर ऑन अ डेट. ही वाज लाइक कि मैं अगर वैलेंटाइंस के टाइम पर डेट कर रहा हूँ तो मैं एनीवे जाऊँगा ना कहीं. एंड ही वाज लाइक कि वो मेरे को गिफ्ट कर रही थी ऑलरेडी कुछ, मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया कि उसने उसके फ्रेंड से पूछ रही थी बेस्ट फ्रेंड से कि मैं ये गिफ्ट कर दूँगी, मुझे पता सामने से कोई मुझे गिफ्ट कर रहा तो ऑब्वियसली मैं भी कुछ लूंगा उसके लिए. मेरा यही वो था कि अगर आपको अगर नहीं इतना अटैच होना तो आपको ये सारी चीजें भी नहीं करनी चाहिए अभी लगी तो. फिर उतना ही रखो ना नॉर्मल यार. या ट्रू दैट. बट अभी हम क्वारंटाइन का जो डिस्कस कर रहे थे कि सब लोग इससे गो थ्रू कर रहे हैं, दीक्षा की फ्रेंड भी रो रही थी एंड माय कजन शी स्टिल अ हैप्पी गो लकी गर्ल बट शी स्टिल सेइंग कि एवरीवन स्ट्रगलिंग एंड पता नहीं समझ नहीं आता है, मजाक में बोलती क्या करो पूरा दिन खाओ पियो सो. एंड टू सर्टेन एक्सटेंट इट्स ट्रू, क्योंकि अभी जैसे ना बुआ भी हमारे साथ घर पे ही है, यहीं पर स्टे कर रही है, बुआ की वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन यहीं से लगनी है तो इसीलिए वो भी है हमारे साथ. वो भी हमेशा बोल रहे थे क्या करो पंजाबी में जैसे बोलते ना अपने चिल करते हुए, वो लूडो खेलती रहती है एंड डैड भी पूरा वो मूवीज देखते रहेंगे. तो मतलब हर किसी को अब लग रहा है कि मैं अपना प्राइम वो कर चुका हूँ मूवीज, ये फ्री टाइम. पहले ऐसा था फ्री टाइम कब मिलेगा, फ्री टाइम कब मिलेगा, और आप तो फ्री टाइम में. और मैंने वो भी बताया, मैंने एक रील देखी थी अभी थोड़े दिन पहले, उसमें रील में क्या था कि पहले दिखा रखा था कि आप बाहर की सराउंडिंग्स छोड़ के सब इंटरनेट पे लगे रहते थे, अब सबको इंटरनेट से दूर भाग के बाहर जाने का मन कर रहा है और सब ऐसा सिचुएशन आ चुका है. मतलब पैंडमिक की वजह से लिटरली अगर कोई फील करे कि हम इंटरनेट अगर अभी तुझे कोई ऑप्शन देना तो सब कुछ छोड़कर अभी तेरे को एक वीक के लिए पूरा ऑफ जाना है सोशल मीडिया से तो खुशी खुशी जाएगी, बिकॉज यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ. ट्रू. ये क्वारंटीन में गाइस सबका खराब हो रहा है, आई फील लाइक ये सेकंड वेव में ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है क्योंकि होप खत्म हो गई है. एग्जैक्टली. एंड आई नो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना कलेक्टिवली ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग एंड अपनी लाइव्स रिस्क पे डाल के वो अपनी सब लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं एंड वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड जो भी आप छोटे वे में कर सकते हो ना, आप थोड़ी देर के लिए अगर बाहर ग्रोसरीज वगैरह के लिए नहीं जा रहे हो तो आप डॉग्स को खाना डाल दो, आप बर्ड्स के लिए पानी और कुछ खाना रख दो, बिकॉज ऑब्वियसली देयर ऑल्सो सफरिंग राइट नाउ. एंड अपनी मेंटल हेल्थ चेक में रखो, यू कैन गेट ऑनलाइन थेरेपी एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू. एंड वी शुड गेट ऑनलाइन थेरेपी. या मैं कब से प्लान कर रही हूँ, आई थिंक वी गॉन्ट गेट इट. फिर हम एपिसोड में बात करेंगे हमारी थेरेपिस्ट ने क्या बोला. हम थेरेपिस्ट को भी अपने एज अ गेस्ट लेकर आएंगे पॉडकास्ट पे. तो दीक्षा और मैं ये बात कर रहे थे जब रिकॉर्ड नहीं हुआ था कि जब आप नॉर्मल लाइफ जब हम जी रहे थे ना तो हमारे पास कितने सारी चीज़ें एस्केप करने के लिए थी कि मूड खराब हुआ, फ्रेंड से लड़ाई हुई, बॉयफ्रेंड से कुछ भी हुआ, गो आउट एंड शॉप और ईट और डू एनीथिंग. मतलब आई एम गिविंग यू अ रैंडम एग्जांपल. मुझे याद आया मेरे को किसी रेस्टोरेंट में जाकर पास्ता खाना है, स्पेगेटी पास्ता मिक्स सॉस प्लीज, मेरे आंसू आ रहे हैं सोचकर. स्पाइसी ऐसे ओरिगैनो और उस पे तू अपने छोटे छोटे हाथों से ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल रही हो, साइड में कोल्ड कॉफी हो या फिर एक हाथ में कॉकटेल हो. I need cocktail, I need cosmopolitan in my hand of public affair. को डाइट को क्या फिर कोल्ड कॉफी को पहाड़ की कभी तो बोल दे तेरे को पीनी है प्लीज मैं खुश हो जाऊंगी. आई नीड कॉस्मो इन माय हैंड और वर्जन मोहितो, नॉट वर्जन ओनली मोहितो एंड ब्रिटो बोल. मुझे कोई लो कैलोरी ड्रिंक ढूंढनी है अपने लिए जो कि ऐसे जब मेरे को चिल करने का मन है ना. मेरा तो बहुत गंदा खाने का मन कर रहा है, गार्लिक ब्रेड निक बेकर्स. आई मिस निक बेकर्स. मैं रो दूंगी इस पॉडकास्ट में फिर से मशरूम. और तुम फिर से नहीं रोगे. अरे बट हम यही बोल रहे थे कि डील करना पड़ता है तो पहले तो भाग जाते थे, अब तो हमें पता है फियर्स इनसिक्योरिटी सब चीज़ों से यहीं पर बैठ के डील करो इसी रूम में. एंड टू बी ऑनेस्ट यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, आई एम एन इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट्स के लिए फिर भी इट्स
स्टिल आई फील एम्बिवर्ट नॉट इंट्रोवर्ट नो आई एम इंट्रोवर्ट नहीं नहीं अगर कहीं बाहर जाते ना इंट्रोवर्ट्स ना जब भी किसी और लोग गाइस कॉम डाउन या फिर मैं एम्बिवर्ट हूं मैं पूरी एक्सट्रोवर्ट हूं तू पूरी एक्सट्रोवर्ट नहीं है दैट आई हैव रियलाइज्ड गाइस कॉम डाउन बोलो ठीक है अगर कोई इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है जिसको भी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में इतनी सेल्फ अवेयरनेस है ठीक है मेरे को भी पहले ऐसा लगता था बट आई हैव रियलाइज्ड मैं अपने लोगों के पास ना एक कम्फर्ट जोन होता है तो मैं उनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ And I'm on social media because this is my way of expressing because But you're a boss woman, you know that. जब भी तू बाहर जाती है ना events वगैरह पे you're out there you talk to everyone और जब बहुत अच्छे से ना मेरे साथ तो I know कि तू मेरी you're my sister so I have to take charge and protect you जब मैं किसी और के साथ होती हूँ ना for example शिवेश या कोई भी होता है जब भी मैं event वगैरह पे जाती हूँ तो शिवेश इज द वन हु टेक्स द लीड मैं ऐसे पीछे रह के आई एम ईटिंग समथिंग मेरे साथ बट ये इफ If someone who's following me comes up to me, अब तुझे then... समझ आया मैं तुझे क्या बोल रही थी मदरली फिगर वगैरह कहीं कहीं पे दिखाना अच्छा होता है बट कभी कभी तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हारा कोई और चार्ज ले रहा हो चीज का Obviously you feel very free, no? Whenever you go out with Shivesh, कि तुझे पता Shivesh charge ले रहा है। मेरे साथ तेरी responsibility आएगी आएगी anyway कुछ भी we are talking like friends and anything but still I'm your little sister. But तू तेरा और मेरा dynamic पता है कैसा है कि हम दोनों थोड़े से chilled out हैं और तू कभी अपने opinions मेरे पे force नहीं करती जब करती भी है ना तुझे realize हो जाता है कि नहीं अब मैं ज़्यादा advantage ले रही हूँ और ऐसे usually तो करती नहीं है 90% of the time. शिवेश के साथ क्या he's controlling in a positive way ऐसा नहीं करेगा कि आपकी विशेष डिमांड सुनेगा ही नहीं बट अभी हम ये करेंगे 12:30 हम ये करेंगे थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रही होंगी नो डाउट बट आई डोंट नो हाउ टू पुट इट लाइक आई एम वेरी इजी गो वो कंट्रोलिंग है ठीक है वो डिसिप्लिन्ड और बिल्कुल भी नहीं है और ही इज वेरी डिसिप्लिन गाइस मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम लद्दाख गई थी एंड ही लाइक अच्छा कृतिका अगर हमारा वो हमें ना जाना था कहीं अराउंड 6 hours की ड्राइव थी ठीक है तो हमें एनीवे 6 तक निकलना था लाइक कृतिका हम 5:30 पूरे उठ जाएंगे ठीक है हम 6:30 तक मैक्स निकल जाएंगे यहाँ से रात को पूरा डिनर वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह बता दिए ये पैक होना चाहिए ये होना चाहिए ऐसे करके गाइस और बिल्कुल टाइम पे उठ गया मैं फ्रेश भी नहीं हुई थी और मेरे को यहाँ पे कृतिका सुनाती थी आर शिवेश तब से रेडी हुआ है प्लीज़ खड़े हो मेरे कहा मुझे फ्रेश तो होने थे 6 hours का रास्ता मैं कहाँ जाऊँगी लद्दाख में देयर इज नो वॉशरूम नथिंग ऐसे मतलब साइड वाले वॉशरूम्स होते हैं मतलब हाइजीन वगैरह की ऐसी इतनी प्रॉब्लम होती है लद्दाख में वॉशरूम्स फिर भी मैंने पढ़ा था किसी आर्टिकल में हम तो उस जगह पर गए नहीं थे ना क्योंकि वो बंद थी हाँ. उसकी ऐसे कि वहाँ पर ऐसे पोर्टेबल वो होता है ना वो होता हाँ, है तो वही हाइजीन वगैरह की प्रॉब्लम हाँ. है वो तो मैंने कहा यार प्लीज करने गई थी नहीं तू जल्दी आ और मैं ऐसे करके बैठी हुई थी कार में पेट दर्द हो रहा था तूने मुझे बोला था मैं फ्रेश हो रही हूँ मैंने कहा ठीक है तूने उसके बाद 20-30 minutes उसके बाद तू पता कॉल पे कॉल करने लग जाती है तू वेट नहीं करती क्योंकि वो साथ में बैठा था मेरे मैं यूजुअली कभी नहीं करती तुझे ऐसे कॉल की अभी आ जा बट स्टिल फिर ऐसे हो रहा था मैंने कहा यार दीदी मैं ऐसे करके बैठी हुई थी बट फिर वहाँ पे जाते जाते पता लगा वो जगह ही बदल मैं इतनी खुश थी ना कि मैं होटल जाऊँगी वापस बट हमने ये बात क्यों स्टार्ट करी थी कि एक्स्ट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हाँ हाँ तो हम उससे शिवेश पे आ गए मैं बोल रही थी ना तो मदरली फिगर वगैरह ओ हाँ तो कमिंग बैक टू द टॉपिक और इंट्रोवर्ट्स की ना और 3-4 पॉइंटर्स हैं इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट एंड इफ यू कैन वेरीफाई दिस फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं जैसे किसी भी मीटिंग वगैरह कहीं भी ऐसे कहीं पर जगह जाती हूँ जहाँ बहुत सारे लोग सराउंडेड होते हैं मुझे वहाँ ऐसे इतना मज़ा नहीं आता लाइक आई एम जस्ट देयर मैं उनको टॉलरेट कर रही होती हूँ है ना और मुझे टॉलरेट कर रही हूँ किसी भी इवेंट पे कहीं पर भी जाना मैं एक्टिवली कभी पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ जब मुझे ज़बरदस्ती जाना मैं जाती हूँ मैं वहाँ अच्छे से बिहेव कर लेती हूँ आई ट्राई माई बेस्ट एंड जब मैं वहाँ से आती हूँ आई नीड माई लोन टाइम टू रिचार्ज माई सेल्फ क्योंकि मैं डिप्लीट हो जाती हूँ बिल्कुल हंस के और ये सब बेसिक चीज़ें करके लोगों हाँ एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई एन्जॉय माई अलोन टाइम मोर देन एनीथिंग नो मैटर हाउ मच आई लव यू मॉम और माई रिलेशनशिप अलोन टाइम आई फील लाइक सबको ही नीडेड होता है यार लेना चाहिए हाँ बट मतलब मुझे कुछ ज्यादा ही हाँ, पसंद है ऑब्वियसली कहीं से भी आएगी ना मतलब किसी भी इवेंट से आएगी या फिर बाहर से इवेंट के आदित्य के साथ भी डिनर वगैरह कर आएगी थोड़ी देर एटलीस्ट अगर आदित्य के साथ आएगी तो 5-10 minutes बैठती है रूम में अकेले बैठेगी चेंज वेंज करेगी या फिर अगर इवेंट से आइए तो अब सोच लो 1 hour कहीं नहीं गया अलोन टाइम ऑफ कृतिका खुराना हाँ तो और मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती है जैसे मैं किसी अननोन लोगों के सामने ना तो मैं चुप रहकर उनको ऑब्जर्व करूँगी हाँ. चुप रहना लगता नहीं होगा अभी किसी को देख के मतलब कि चुप रह सकती हूँ बट मैं सिर्फ अपने लोगों के सामने ज़्यादा बोलती हूँ अब तू एक्सट्रोवर्ट की बताते को क्या लगता है मैं आई एम नॉट एन एक्सट्रोवर्ट आई एम एम्बिवर्ट सो अकॉर्डिंग टू मी मेरे को ही लगता है
कि अगर मैं कहीं बाहर हूँ, मतलब मुझे लगता है देख कर कि वो बहुत हैप्पी को लग, मेरी है पर्सनैलिटी ऐसे कि हाँ आई गो एंड लाफ विथ एवरी वन, इट्स आई एम लाइक दिस. बट अगर मैं किसी पार्टी वगैरह पे जा रही होती हूँ ना, तो अगर ऐसा कुछ होता ना, कुछ भी छोटी सी ऐसी चीज़ हो जाती है, अगर मेरी इनसिक्योरिटीज़ वगैरह बाहर आ जाती है, जब मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम इनसिक्योर राइट नाउ, तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं ऐसे चुप हो जाती हूँ. और फिर मेरे को लगता है अच्छा ठीक है, मैं ये मुझे जज कर रहा है सामने से, तो मैं बहुत ही ऐसे चुप हो जाती हूँ. बट अगर मैं बहुत ही मतलब अगर मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ हूँ जिनके साथ मैं क्लोज हूँ, और इफ़ आई एम ड्रंक और समथिंग, आई एम वेरी ओपन, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं जाकर बात करूँगी, बट मैं किसी अननोन से बात नहीं कर सकती. सो आई डोंट नो, तो ये एम्बीवर्ट में आई थिंक सो आ गया. मैं किसी अननोन से जाकर अननोन से बात करना शायद भी तो हो सकता है, मैं अपफ्रंट नहीं हो सकती. जैसे इफ़ आई लाइक समवन, तो मैं उसको जाकर बोल, मतलब मेरे अंदर इतना करेज नहीं है कि टू गो टू हेम एंड टेल हिम दैट आई लाइक यू, मेरे अंदर नहीं है. चाहे अगर मैं एक मंथ तक भी उसको लाइक करती रहूँ ना, मैं तब भी नहीं बोल पाऊंगी शायद उसको कि आई लाइक यू. दैट्स ट्रू, यू आर एन एम्बीवर्ट, पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुझे ना तेरे फ्रेंड्स के साथ भी देखा है, तू इतना इतना नहीं कर रही होती. हाँ, मैं तेरे साथ ज़्यादा करती हूँ. यू आर नॉट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. जैसे कहीं मैंने, जैसे देयर इज वन फ्रेंड ऑफ योर्स कशिश, वो ना अपनी तरफ लोगों को खींच लेता है एंटरटेन करके. जैसे वो बोल रहा होगा तो सब सुनेंगे, तू ऑब्जर्व कर रही होती तो चुप होती है. तेरी पर्सनालिटी शायद मेरे साथ, तू एक्सट्रोवर्ट है ना, तो मैंने एक्सट्रोवर्ट बोल बोल के तेरे माइंड में भी डाल दिया, क्योंकि मैंने तुझे जितना ऑब्जर्व करा ना दिवाली पार्टीज ये वो, तू जोक्स मार रहे होते हैं लोग, तू हंस रही होती है, तू कभी ऐसे अटेंशन नहीं लेती. मेरे को लगता है, या फिर जो मेरे सामने मेरी पर्सनालिटी से, या फिर अगर मैं एम्बीवर्ट हूँ, तो अगर कोई जैसे तू इंट्रोवर्ट, अगर तेरे साथ मैं हूँ और तू चुप है, तो मैं तेरे सामने ज़्यादा बोल लूँगी कि तू खुश रहे, या फिर अच्छा बात कॉन्वर्जेशन बिल्डअप रहे ऐसे करके. बट अगर मैं किसी एक्सट्रोवर्ट के साथ बैठी हूँ, तब मैं चुप हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है वो तो बोल ही रहे. बोलती रहोगी बीच में, तो ये मे बी एम्बीवर्ट ही हुआ मेरे में ना. चलो पर्सनैलिटी डिस्कवर्स हो गई है, डिस्कवर हो गई. गाइस सो वी फाउंड दिस पेज, मैं इसको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ पेज को. ओके सो द नेम ऑफ द पेज इज वी आर नॉट रियली स्ट्रेंजर्स, इट्स सच अ नाइस पेज, प्लीज गो एंड फॉलो इट. 3.9 अरवी इतनी डाउटफुल है अभी तो ना गाइस, इस पे इतने डीप मीनिंगफुल चीज़ें लिखी होती है, बट इन अ लाइट मैनर, एंड यू कैन व्हेन यू रीडिंग समथिंग ना, लिटरली आपको पता लगता है कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे होते जब लिखा होता है ना. तो गो चेकआउट द पेज, दे हैव द रेड लोगो. जब ऐसे आता है ना सामने, ऐसे लगता है ओ शिट. हाँ मतलब हाँ, वो ऊपर सुपरफिशियल चीज़ों से हटके सच्ची में आपकी कोई इनडेप्थ ऐसे क्वेश्चन है इस पेज पर, और कोर्ट्स है, और बहुत अच्छी चीज़ें जैसे आप रिलेट कर पाओगे. प्लीज गो एंड चेक आउट द पेज. ओके सो एक क्वेश्चन दीक्षा निकालेगी, एक क्वेश्चन मैं निकालूंगी. You will go first, please. Okay. आज मैंने इसको फाइनली बोल दिया, you will go first. I have achieved something in my life now. Oh, who makes you feel loved even when you don't feel lovable? Huh, such a nice question. Who makes you feel loved even when you don't feel lovable? For me, sugar. Oh, huh. Sugar. अगर मैं बिल्कुल ऐसे सोचूं, deeply सोचूं, तो sugar. बिकॉज इतने टाइम ऐसे भी होता है कि तुझे भी नहीं पता होता मेरा मूड ऑफ है. मुझे पता होता है, बट मुझे लगता है कि तुझे उस टाइम अलोन टाइम चाहिए, क्योंकि तू शेयर नहीं करती एकदम से. मेरे को जब शेयर करना होता है ना, तब तू अवेलेबल होती है किसी के लिए, वरना तू क्लोज रहती है. मुझे ऐसा लगता है मैं बस कोई आके पूछ ले क्या हुआ है. बट हमें को ऐसा लगता है कि जज कर रहे, मतलब ऐसा जज भी नहीं कि पता नहीं, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है ना ह्यूमन नहीं चाहिए कोई, सच्ची में ह्यूमन नहीं चाहिए कोई. या फिर ऐसे मन करता है नहीं शेयर हो पा रहा, मतलब मेरे आज लाइक इन पैंडेमिक, ड्यू टू पैंडेमिक ना, मेरे इमोशंस बहुत बॉटल अप हो रहे हैं, ऐसे हो जा रहे और जब तक ऐसे, और इतनी बार ऐसे हो रहा है कि आई फील लाइक कि रो दूं यार, निकल जाए बाहर, निकल जाए प्लीज रो कर. हम नहीं हो रहा, आई रियली वांट टू क्राई. सैड सॉन्ग लगा, प्लेलिस्ट चला. मैं 3 o'clock ऊपर मौजूद. गाइस इट्स रियली फनी, आई गो टू माय रूफ एवरी नाइट, ठीक है. सो मैंने कल करवंदा से बात करी थी, आई लाइक करवंदा बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, मैंने डांस नहीं करा, आई एम गोइंग टू माई रूफ एंड गोइंग टू डांस. कहता दीक्षा 3 बज रहे हैं, भूतनिया डांस करती है. वो कहता आई फील सो बैड फॉर योर नेबर, अगर वो गलती से उठ गया तो. होता है ऊपर से स्नैपचैट में जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना रात को 3 बजे, या कभी वॉक कर रही होती हूँ मैं, तो लोग मुझे बकवास करेंगे. नहीं नहीं, डराएगी, टेरिस्ट नहीं, वो बहुत हमारी इतनी अच्छी एक पीसफुल जगह होता है ना, जब किसी को भी स्पेस चाहिए होता है वहाँ पर चला जाता है. तो मुझे सब लोग बोलते हैं दीदी आप इतनी जोर जोर की चिल्ला के बात कर रहे हो, आपकी नेबर्स देख के डर जाते होंगे रात को इतनी जोर जोर की. तुझे नहीं लगता ऐसे कि तुझे ऐसे निकाल के ज़्यादा बेटर लगता है? कैसे? मुझे एक्सप्रेस करके, डांस करके. मुझे पता क्या लगता है, तू मेरे को बताइयो, मैं सिर्फ ऐसे ही अज्यूम कर रही हूँ. तुझे
अपने इमोशंस खुद से डील करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तू इतनी कॉन्फिडेंट है बाकी मतलब लोगों से ज़्यादा, कि तुझे खुद पहले बस पता होता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, फिर तू किसी और को चांस देती है कि अब तू मुझे बता, मैं ये फिगर आउट कर चुकी हूँ कि वेयर आई एम वो रॉन्ग और मैं क्या फील कर रही हूँ। आई थिंक बट ट्रू है, बट मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि अभी ड्यू टू पैंडेमिक ना सब रियली वांट टू कराया, आई रियली वांट टू गो अपस्टेयर्स एंड मतलब रूफ पे भी तेरे सामने भी डेविल साइन, और मेरे को लग रहा है कि यार सच्ची में रोने एक बार ब्रेक डाउन हो जाए, खत्म हो चीजें, मतलब चीजें भी ऐसी खत्म हो, इमोशन तुम्हारी बॉटल खत्म हो जाती है अगर तुम रो जाते हो ना, फिर वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, बट अभी मेरी पूरी ऊपर तक टैप बंद है बट निकल नहीं रहा है कुछ भी बाहर, तो वो अभी ऐसे फील हो रहा है। एक नेक्स्ट वीक में ये ऐसे हो रही है जैसे अब ये कुछ प्लान करेगी फिर से कि रो नेक्स्ट वीक में कुछ होगा, डेविल इतने छोटे से हाथ है गाइस, ओह शिट इसके बहुत क्यूट से हाथ है, मतलब इसके छोटे पता नहीं छोटे क्यों लगते हैं, इसके मोटे और छोटे से ऐसे फ्लफी से ऐसा लगा पांडा के हाथ पकड़ रहा है, बहुत हंसती होंगी पांडा के हाथ पकड़ रहा है, नेल एक्सटेंशन करवा के थोड़े से लंबे लगते हैं, कुछ नहीं है ना मेरे हाथ, सॉरी कुछ नहीं इज अ बेटर वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, उसके बीच में मैं दोनों में से किसी को भी एक जने को भी नहीं बोलूंगी, बट ऑब्वियसली दीक्षा नोज मी मच बेटर देन हिम बिकॉज obviously she's seen me through all of it and she's been there. Guys, obviously 23 years matter. Obviously. But जैसे दोनों के pros and cons है, जैसे अब दीक्षा है ना, दीक्षा को अगर ज़्यादा टाइम तक कोई बॉदर कर रहा था ना चीज़, जैसे अगर मैं उसको बोल रहा था दीक्षा ही हुआ तो फिर तो सुनना ही ऐसे कर रहा था तो पागल है ये, फिर दोबारा बोलेगी, फिर थर्ड टाइम चीज़ है अभी अपने हाल पे रहे, स्पेस दे देगी, क्योंकि दैट्स ऑल्सो रियली नाइस थिंग कि अभी बोलती खुद डील कर, अब मैंने सिखा दिया अब तू अकेले बैठ, नहीं मेरे को पता है क्या लगता है कि तेरा इश्यूज ही हैं कि तू बहुत ही ओवरथिंक करती है, तो एक टॉपिक को गाइस बिल्कुल स्ट्रेच कर देती है सोच सोच के, और ये कॉन्टिन्यूसली ऑन रिपीट फॉर डेज वही सेम टॉपिक के बारे में सोचती रहेगी, तो आई फील लाइक अगर तुझे तीन दिन मैंने समझा दिया तो फोर्थ टाइम आकर भी मुझसे वो बात करेगी, मैं सुन लूंगी तेरी, बट मेरा आंसर और सोल्यूशन वही होगा, लाइक तू अकेले सोच, मैंने बोल दिया अब तू सोच, ये होता है, पर ऐसे कभी स्ट्रेच नहीं होता तीन दिन तक, ऐसा होता है कि एक दिन में ही मैंने तीन बार पूछ लिया नहीं हाँ पहले बहुत होता था, थैंक गॉड तू बहुत चेंज हुई है पहले से, और रियली आई थिंक ये तेरा ये टेक्निक से मैं थोड़ी सी बेटर हुई हूँ, क्योंकि तूने मेरे को ये क्वेश्चनिंग देनी, मतलब मुझे मॉम डैड को मैं जानबूझ के नहीं बताती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मैं तुझसे ज़्यादा शेयर कर सकती हूँ, जब मैं रिलेशनशिप में नहीं थी तब तो मैं ऑब्वियसली इसको कितना बॉदर करती थी, और ऐसा मुझे ऐसा होता ना बेबी गिर रहा होता है एंड आप उसको खुद उठने देते हो थर्ड टाइम फोर्थ टाइम, वो है आदित्य के साथ, ये है कि मेक्स मी फील स्पेशल कि ओ यार सो गुड, मैं इतनी गंदी भी लग रही होती हूँ ना पीजेस में बैठी होती हूँ, ऐसे करके बैठी होती हूँ ऐसे बिल्कुल ऐसे सबसे घटिया एंगल फेस टाइम पर, गाइस इमेजिन दैट, हो बेबी यू लुक सो प्रिटी, मैं पीछे से बोलती चलो झूठे दीक्षा बोलती अब तो बहुत झूठ बोल, अब तो ज्यादा ही बोल रहे हो, बट सो वो उस टाइम पे लगता है मुझे, एंड शुगर मुझे भाव नहीं देती, बट स्टिल वेन एवर आई सी लुक एट शुगर ना मुझे ऐसे अंदर से ना मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई कनेक्शन है इसके साथ कोई, बहुत आज ही बोल रही थी मम्मी मेरे को लगता है ये मेरी कुछ तो होगी कनेक्टेड, पापा बोलते बुआ बोलती हस्बैंड होगी, कहती नहीं मेरे को लग रहा है मेरी बेटी या कुछ होगी नहीं नहीं तो मैं नेक्स्ट लेती हूँ, ओके आर यू नीडी, आई एम इमोशनली नीडी, आई थिंक इमोशनली नीडी इन अ सेंस मैं यूजुअली अपनी चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ, आई थिंक ये चार सालों में ना फैमिली में रिलेशनशिप्स में बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं जो आपको किसी नो वन एज ऐसे दूर तक भी किसी को आइडिया नहीं होगा, बट उसकी वजह से ना मेरे को अपनी इमोशन को शट डाउन करना आ गया कि मैं अभी मुझे अभी मैं अभी किसी को बॉदर नहीं कर सकती, नहीं नहीं ये तो बहुत छोटा है, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें देखी है मैंने लाइफ में ऐसा कुछ करके, तो फिर मुझे ऐसा लगता है बट वो जब वो बॉटल भर जाती है ना तब मेरे को बहुत नीड होती है किसी की, तो इमोशनली आई थिंक आई एम नीडी एंड मे बी दैट्स अ बिग टर्न ऑफ समटाइम्स बिकॉज मैं खुद के लिए इरिटेटिंग हो जाती हूँ इतनी कि दिस इज टू मच क्रिटिकल, लाइक बट नहीं तो जो होना चाहिए इमोशनली रेगुलरली होना चाहिए, लाइक इमोशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए तुझे, तो आई थिंक सो देयर इज अ वर्ड लाइक दैट, बट तुझे इमोशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इज लाइक मैं जैसे भी बोल रही थी तू नहीं दिखाती अपने इमोशंस कि मैं उसको बॉदर ना करूँ ये ना करूँ, तो आकर बोल देगी अच्छा ये प्रॉब्लम है, बट जैसे अगर गाइस इसको कोई चोट भी लगती है ना इफ़ शी गेट हर्ट तो इसको ऐसे लगता है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी वो पेन ही तो नॉर्मल, अगर कोई इतना बड़ा कट भी लग जाए ना इस वह खून निकल रहा है बोलेगी कि नहीं दर्द नहीं हो रही, मतलब ऐसी
मतलब बचपन से ऐसे होता है ना, वो बच्चा नहीं होता जो नहीं दिखाना, अच्छा वेरी स्ट्रांग, जो पेन हैंडल कर लेता है, बट स्टिल, बट आपको कोई ना कोई ऐसा एक अपनी लाइफ एक पर्सन होना चाहिए आपकी लाइफ में जिसके सामने आप आकर बिल्कुल वीक हो जाओ, टूट जाओ लिटरली. अगर दर्द हुआ, छोटा सा दर्द हुआ, उसको भी आप बिल्कुल अच्छे से फील करो उसके सामने. तो तुझे ये करना चाहिए. आई विल. अब तू बता. जो आई एम नीडी, मतलब अभी ड्यू टू सम थिंग्स मेरे को ऐसे लग रहा है वो जो इमोशंस मेरे इतने टाइम से बंद थे ना, वो वापस से, मैं अभी इसको बोल रही थी, दीदी मेरे डेटिंग हॉर्मोन्स स्टार्ट हो गए वापस एक्टिव हो गए डेटिंग हॉर्मोन्स, अगर वो होते हैं तो लाइफ में, बट हाँ डेटिंग हॉर्मोन्स एक्टिवेट हो गए. आई फील लाइक आई रियली वॉन्ट टू डेट समवन, एंड डेट नॉट बट हाँ रियली वॉन्ट टू टॉक टू समवन. कि कोई अच्छा, व्हाई डू यू वॉन्ट टू टॉक टू समवन, किस वे में तुझे लगता है तू नीड? आई फील लाइक ना जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक ह्यूमन डायरी नहीं होता, तुम्हें पता कहीं नहीं जाएगी बात है, कितना मजा आता है, ये तो अपना ही है, मतलब एक चलती फिरती डायरी. दैट्स ट्रू, सच्ची में. और वन फ्रेंड लवर जो एक ही पैकेज में मिला होता है. तो आई रियली वांट कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो, फिर तू है ऑब्वियसली, बट आई स्टिल वांट कि मेरे पास कोई बात करने के हो, होना चाहिए. हाँ, कि अगर मैं सुबह उठूँ तो मेरे को एटलीस्ट किसी का मैसेज आया हो जो आई लुक अप, मैं देखूँ, मैं अच्छा, हाँ मेरे को सुबह उठने का मन करे, ऑब्वियसली मन तो सबका करता है सुबह, बट ऐसे सपोर्ट पर ऐसे एक्साइटमेंट हो कि उसका मैसेज आया होगा, हैव टू रीड क्या मैसेज है, तो मतलब मेरे को वो सारी चीज़ें वापस से एक्सपीरियंस करने का मन कर रहा है एकदम से. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, पर मैं बोल रही थी कि कभी भी अपने पार्टनर या किसी भी एक बंदे पे सारी वो नहीं डालनी चाहिए कि वो आपका थेरेपिस्ट भी बने, आपका मम्मी भी बने, आपका पापा भी बने, आपका फ्रेंड भी बने. फ्रेंडशिप रहनी चाहिए रिलेशनशिप में, बट ऑलवेज जैसे मैं तेरे पे सारी रोल्स नहीं डाल सकती, बट इमोशनली आपको वीक होना पड़ता है अपने पार्टनर के सामने, बट यू कांट एक्सपेक्ट कि आप सब रोल्स वो प्ले करें. एग्जैक्टली, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए गाइस कि आप प्रॉपर ही उसके सामने मैच्योर इमेच्योर बिहेव कर रहे हो और प्रॉपरली मैच्योर बिहेव कर रहे हो. मतलब फाइंड समथिंग इन बिटवीन, क्या आप इसके सामने इमेच्योर भी हो सको और मैच्योर भी बन सको. रास्ता पकड़िए और कट लीजिए. चलो, वी विल टेक टू मोर क्वेश्चंस. What's the most pain you've ever been in that wasn't physical? Heartbreak. मतलब अभी मैं recent वाला ही वो दूंगी. But वो इतना सबसे ज़्यादा तेरे को life में क्या affect करी? सबसे ज़्यादा? When you broke down. I broke down. So guys, something happened with both of us. हम दोनों की life में ये incident हुआ था, which was really, really life changing and literally life changing. वो बहुत ट्रॉमा था हमारी लाइफ का, अगर आप उससे बोले तो. एंड उस चीज़ की वजह से हम इतने ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, क्लोज आए हैं बहुत ज़्यादा लिटरली. मतलब मैं 16-17 ईयर्स की एज में, मैं 23 के हिसाब से मैं सोच रही थी, मैं इतनी ज़्यादा मैच्योर हो गई थी. एंड उस इंसिडेंट ने हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फैमिली से क्लोज करा ना अपनी. मतलब आई स्वेयर, अगर वो इससे पता लगता है, जो कुछ चीज़ें होती हैं ना आपकी लाइफ में, कभी कभार हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई लेसन होता है. यू हैव टू जस्ट लुक प्रॉपरली. हर गलत चीज़ गलत नहीं होती है, उस पर बहुत चीज़ें आपको ऐसे लेसन दे रही होती जो आपकी फ्यूचर में आपके काम आएगी. आई स्वेयर, मैं उस चीज़ के वजह से इतनी मैच्योर बन चुकी हूँ ना अब, कि आई बिहेव एज इफ आई एम इमैच्योर बिकॉज आई लाइक इट दैट वे, बट स्टिल आई नो सो मेनी थिंग्स इन माई माइंड एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. एक्चुअली डू, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर दैट. थैंक्स. एंड स्पेशली इन दीज 3 years यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन, स्पेशली इन दिस 3 years. एंड व्हेन वी वर गोइंग थ्रू दैट, सो अब ऑब्वियसली वी कांट टेल यू गाइस व्हाट हैपेंड, बट इट वाज अ वेरी ह्यूज डील एंड ह्यूज एंड बैड समथिंग दैट आवर फैमिली वेंट थ्रू टुगेदर, एंड इट वाज सो बैड यू कांट इवन थिंक अबाउट दैट. एंड हमने वो कभी भी शेयर नहीं करा, एंड वी वर स्टिल मेकिंग कॉन्टेंट, वी वर स्टिल पोस्टिंग ऑनलाइन, काम था, सब कुछ लाइंड अप था, एंड सब कुछ इतना ऐसा होता है ना, पूरी रियलिटी हिल जाती है लाइफ की, कि ओ मतलब आपकी फेरी टेल टूट जाती है. और ये हार्ट ब्रेक रिलेशनशिप वगैरह वाला बिल्कुल भी नहीं है. और आई फील लाइक उसके सामने कुछ है भी नहीं हार्ट ब्रेक वगैरह, उसके सामने कुछ भी नहीं है हार्ट ब्रेक, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है. हार्ट ब्रेक इज जस्ट 1% ऑफ दैट बॉय ड्रामा, ये वो थोड़ा टाइम ऐसे फील होता है कि ओ यार दिल टूट गया, बट जब आपकी वैल्यूज हिल जाती है ना, और आपको लगता है कि ओ ये ऐसा भी हो सकता है लाइफ में, लाइक दिस कैन ऑल्सो हैपन, देन यू रियलाइज. हम दोनों बहुत स्ट्रांग बने हैं मुझे लग रहा है. ठीक है, हम थोड़ा सा फन लेते हैं. If your last relationship was a Netflix series, what would it be called? I wish, guys, मैं Bridgerton बोल पाती. I so wish. फिर वो last थोड़ी ना होती मेरी relationship में, नहीं वो तो चलती होती है अभी. I have an answer, but Netflix नहीं होगा वो. Queen.
बिकॉज आई वेंट थ्रू समथिंग एंड देन आई बिकेम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ अ क्वीन इन माई हेड प्राउड ऑफ यू इसकी एक वीडियो भी उसमें बोलती है हाँ मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग आई एम फिक्सिंग माय क्राउन बिकॉज़ आई एम फकिंग क्वीन दैट वाज ड्रंक मी क्यारा केम आउट आई लव क्यारा इतना कॉन्फिडेंट आई लव क्यारा टू मेरा गाइस मैं ना ऐसा प्रॉपर सीरीज नहीं होगी वो बट मैं जिनियन जॉर्जिया देख रही थी एंड उसमें एक रिलेशनशिप थी ऑफ जिनी एंड उसका बॉयफ्रेंड कौन था हंटर तो मेरा वो रिलेशनशिप थोड़ा बहुत वैसे था मतलब देखने में ओ ही इज़ अ रियली स्वीट गाय एंड ही इज़ एवरीथिंग मतलब परफेक्ट गाय और बिल्कुल ऐसी सी इमेज थी उसकी पेरेंट्स भी ऐसी सी थी ऐसी क्यूट सी एंड एवरीथिंग सो बिल्कुल ऐसे शक्ल से शरीफ बट अंदर से कुछ और ही चल रहा होता था मतलब सेल्फिश बिकॉज हंटर वॉज रियली सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड लाइक ही पुट हिमसेल्फ फर्स्ट एंड रिलेशनशिप बाद में सो काइंड ऑफ उसका थोड़ा सा पार्ट ऐसा वो रिलेशनशिप था मेरा बट आई रियली वॉन्टेड मार्कस काइंड ऑफ रिलेशनशिप सो दैट्स वाई वी ब्रोक अप बट मुझे हमने शायद इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया मैंने क्वीन बोला उसमें था ऐसे वर्ड्स आपके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करें बट आई एम टॉकिंग मोर अबाउट द स्टोरी एंड हाउ आई फेल्ट आफ्टर दैट सो दीक्षा तू भी सेम वही बात मतलब नाम पे नहीं गए हम हाँ वही ओके लास्ट क्वेश्चन गाइस व्हाट आर यू ओवरथिंकिंग राइट नाउ तूने भी यही बोला था व्हाट आर यू ओवरथिंकिंग राइट नाउ तूने भी यही बोला था ओवरथिंकिंग राइट नाउ मे बी आई एम ऑब्वियसली ओवरथिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप व्हिच वाजंट अ रिलेशनशिप बट आई एम गिविंग इट लाइक मिलियन थॉट्स कि क्या चल रहा होगा अभी उसके माइंड में क्या हो रहा होगा ऐसा काइंड ऑफ I am just thinking that I'm not giving myself enough time, space to just be. To relax. Matlab, not think about anything at all. Because tere saath itna ye bhi ho raha hai na ki matlab pehle papa bolte the ki subah uthti nahi uthti nahi uthti nahi ab uth jati hai papa shaam ko jaakar soti hai matlab ye itna exhausted feel kar leti hai aise hi she's like ki main so rahi hu fir papa bolte itne baje ki so rahi hai itne baje ki so rahi hai to iske saath yahi ho raha back and forth aur jab aaj main uth ke aayi hu maine bola ab main so bhi nahi sakti apni marzi se aur main isko neeche se aise mari ja rahi hu pinch kar rahi hu chup 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 मैं रोने वाली थी पता है रोना आ रहा था कि मैंने तेरे को हंसा दिया था ना किसी बात पे हाँ दीक्षा ने कोई जोक क्रैक करा था तो गाइस ये इस सिनेरियो पे हम खत्म कर देंगे ठीक है और मैं एक और लास्ट अच्छा ठीक है दीक्षा एक और लास्ट लेंगी बट क्या हुआ था मैं सो रही थी पहले मुझे दीक्षा उठाने आई फिर मम्मा उठाने आई फिर पापा उठाने आए थे तो आई थी नहीं दीदी उठ तूने आराम से बोला था दीदी उठ जा मैं बोल रही थी मैं जा रही हूँ खाना खाने अच्छा तो दीक्षा आई फिर पापा आए फिर मम्मा आए फिर बुआ आई तो हर कोई आता आफ्टर फाइव मिनट्स एंड मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि जस्ट बिकॉज मैं ऐसा हाइपर होके किसी को नहीं बोलती चलो जाओ यार गेट बंद कर दो या कुछ भी ऐसे नहीं बोल रही या मैं लॉक नहीं कर रही यार कुछ नहीं कर रही तो मेरी प्रिवेसी नहीं है बिल्कुल भी मैंने बोला मुझे नींद आ रही है आई हैव बीन अप सिंस सेवन इट्स एट 8:30 या 7:30 कुछ हो रहे थे एंड मुझे लग रहा था कि आई जस्ट स्लीप फॉर वन आवर और सो मैं थोड़ी फ्रेशन अप हो जाऊंगी बिकॉज बहुत ड्रेनड आउट हो गई थी पापा मम्मा सब मैंने बोला आप सो रहे होते हो आई रिस्पेक्ट दैट मम्मा या कभी डैड कभी नींद में होते ना मैं लाइट ऑफ करती हूँ गेट ये तुझे मेरे साथ क्यों नहीं आती है रिस्पेक्ट तेरे साथ भी तो करती हूँ शुगर से बातें करती हूँ सुबह बस ये उठ जाती है सुबह शुगर के साथ करती हूँ फोन पे नहीं करती हूँ बाहर निकल जाती हूँ अब तो शुगर भी तो भाई सुबह सामने बैठे ना मेरे मैं उठूंगी ना तुम्हारी बात से और तू बात करती है कॉफ़ी पीनी है ये पीनी है वो पीनी है कॉफ़ी चाहिए ये ऐसे ही बात करती है पापा मम्मी के टाइम पे बोल रही है लाइट भी ऑफ नहीं ऑन नहीं करती और मेरे टाइम पे कहीं ऐसे डोर मार कर जा रही होती है क्योंकि मैं वहीं पर होती हूँ ना शायद मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि तू सोई हुई है चल तुझे सुनाई नहीं दे रहा बट या आई ट्राई टू फिक्स दैट प्लीज़ और इस मामले में मैं बहुत अच्छी हूँ बट मैं पहले से बेटर हो गई तूने मुझे दो तीन बार बोला अब मैं धीरे से फ़ोन भी बजता है बट मैं इसमें बहुत ही अच्छी हूँ प्लीज़ मैं तेरी तेरी नींद को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ ना मैं अगर कोई भी आता है बोलती धीरे बात करो ये करो वो करो मैं लिटरली ऐसे बोलती हूँ ये मैं भी बोलती हूँ तू सो रही होती है बट तो फिर भी बात कर रही होती है नहीं मैं और लोगों को चुप करा रही होती हूँ मुझे नहीं पता होता शट अप तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओके लास्ट में थोड़े से हैप्पी नोट में गाइस एंड करना चाहती हूँ बी नाइस टू पीपल वी आर ऑल जस्ट ट्राइंग आर बेस्ट एग्जैक्ट दैट्स वेरी टू जस्ट बी नाइस टू पीपल गाइस आई एम बीन टेलिंग दिस फॉर मिलियन टाइम्स लाइक बी नाइस लिटरली इफ यू कांट बी नाइस जस्ट डोंट से एनीथिंग आपको जो भी आप डील कर रहे हो आप किसी और पे वो एंगर मत निकालो और जब भी आप एंगर निकालने वाले हो ना आप सिर्फ अभी जैसे आज मैं बता रही हूँ ना जब मैं उठ के आई थी मैं लिटरली मेरा मन कर रहा था मैं चिल्ला दूँ और मैं पता नहीं मैं भी बॉटल्ड अप थे इतने इमोशंस बट आई सेड टू माय सेल्फ
जब मैंने एक दो बार से इरिटेट होकर सोने क्यों नहीं दे रहे थे यार, क्या हो गया, तो फिर देना रिलाइज नहीं हो रहा था, नो, तो मैं चुप हो गई और मेरा बहुत मन कर रहा था बट मैं ऐसे हाथ रख के चुप बैठी थी, का काम ना, नो नो, बट अभी यही सोचते उन्होंने कितना अच्छा पार्ट चूज करा, हाँ कुछ बोलकर, अगर यही तो बोले थे तेरे को बाद में गिल्ट होता कि तूने पापा मम्मा को, वो ज्यादा बुरा लगता है यार उस टाइम पे आपका ना अंदर से एक एक साइड बोल रही थी चिल्ला दे बोल दे ये कर दे, डोंट एवर लिसन टू दैट, एग्जैक्टली, और अगर आपको चिल्लाना भी है ना अपने आप को सिर्फ काम डाउन करके बोलो अच्छा अपने आप को 10 मिनट देते हो उसके बाद अगर मेरा मन कर रहा तब चिल्ला दोगी और वो 10 मिनट में मन ही नहीं करता, जस्ट बी नाइस गाइस, बहुत सारी सिचुएशंस हो रही है बाहर और एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग समवन टू बी नाइस एंड टू आस्क that person like how are you doing, haan. Is everything fine with you, true, are you feeling good, are you feeling okay, that's it, sab expect kar rahe hote guys ki koi ek stranger bhi aakar agar pooch lena ki are you doing okay, are you fine, more than enough, just be there for someone, just be nice to everyone, true, you be nice to me please, how rude, I am nice to you, oh guys hum end nahi karne wale, we're going to talk about Oh moment of the week, क्योंकि हमने last वाले episode में भी भूल गए थे, I was just reading the comments. Oh moment of the week, guys, I swear, मैं being very honest, मैं घर से नहीं निकल रही हूँ, मेरे लिए कोई oh moment नहीं हो रही है life की. मैं बता देती हूँ, मैं bold type देख रही थी, सब बोलेंगे अभी तक इसकी वहीं पर tape stuck है, but मैं बहुत धीरे धीरे देख रही हूँ. तो उसमें उनकी शादी हो रही होती है रिचर्ड और सटन की, एंड वो उस टाइम पर बोलती है कि मैं सब लोगों ने बोला कि यू लुक लाइक सटन. हाँ मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि योर सिस्टर लुक्स लाइक सटन, दिखाऊंगी मैं देखो. तो उसमें उनकी शादी हो रही होती है एंड वो ना पैनिक करके चला जाता है क्योंकि वो उसको बोलती है कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करूँगी, मुझे यहाँ जॉब मिल गई है. तो फिर वो पैनिक कर जाता है कि ये तो हर 2 मिनट में टाइम माइंड चेंज कर लेती है, हमने डिसाइड करा था ये करा था कैसे हो गया ये. फिर वो उसको उसकी बॉस समझाती है रिचर्ड को, और फिर वो वापस बॉस एडिटर जो मैगजीन की होती है वो समझाती है, फिर वो वापस आता है और फिर वो उसको वो बोलती है आपको कोई गारंटी नहीं है लाइफ में, कोई आगे जाके चेंज हो जाए जो भी चेंज हो जाएगा, इससे बेटर ये है आपको ऐसा बंदा लाइफ में जो आपको बता रहा है उसको क्या चाहिए, एटलीस्ट ही इज टेलिंग ही और शी इज टेलिंग यू कि उसको क्या चाहिए लाइफ में, ऐसा नहीं कि रिजेंटमेंट बिल्ड कर करके आपको छोड़ दे. तो दैट वाज रियली स्वीट जब वो आते और पीछे सॉन्ग चल रहा था. बट अगर वो जैसे वो बोल रहे कि मेरे को यहाँ जॉब करना ही करना, बट अगर वो उन सब चीज़ों के पीछे उसको छोड़ने के लिए रेडी हो जाती तो. किसको छोड़ने के लिए? रिचर्ड को. वो नहीं छोड़ना चाहती थी, वो लॉन्ग डिस्टेंस चलाने के लिए रेडी थी, उसको ये जॉब बहुत टाइम से चाहिए थी और उसको जॉब वो मिल जाती है अपनी शादी से पहले ही. तो फिर और फिर वो पीछे सॉन्ग चल रहा होता है, वो किस करते हैं आई डू, और फिर क्यूट सा ऐसा उनकी वेडिंग होती है ऐसे पूरी. दैट वाज माय ओ मोमेंट ऑफ द वीक. मेरे लिए अगर मैं अकॉर्डिंग मतलब ऐसी सोचू ओ मोमेंट, नॉट ओ बट स्टिल इट वॉज अ वेरी क्यूट मोमेंट बिकॉज ये डॉग्स के ऊपर थी. तो मैंने गाइस ज़ारा से ऑर्डर करा था, स्वेटर्स एंड स्वेटशर्ट्स ऑर्डर करी थी फॉर शुगर ब्लश एंड प्रिंसेस. तो जो मतलब जितना भी आया था ना शुगर का साइज़ ही नहीं मिला, लाइक आई लिटरली ऑर्डर्ड एक्सेल एंड एक्सेल आ गया स्मॉल साइज़, मतलब ब्लश को आ रहा था वो पूरा. तो मैंने शुगर को पहले ट्राई करा बनाने का, शुगर को ना आ नहीं रहा था स्वेटर पूरा, तो मैंने ब्लश को बना दिया और वो शुगर इतनी इरिटेट हो गई थी ना गाइस, वो घूम ही जा रही है, टर्न पे टर्न नहीं जा रही है, उसको इतना गुस्सा आ गया था, वो ब्लश को ऐसे देख रही है साइड ऐसे कि इसने मेरा स्वेटर पहन लिया और मेरे लिए कुछ नहीं. और फिर मैंने नेक्स्ट स्वेटर निकाला, वो भी नहीं आया शुगर को. और मतलब सबने पहने हुए थे स्वेटर्स बट शुगर ने नहीं पहने हुए थे. फिर कृतिका उसके लिए वो लेकर आई थी लीश, कॉलर एंड लीश लेकर आई, तब थोड़ी सी शुगर ऐसे ओके हुई थी, अच्छा ठीक है मेरे लिए भी कुछ पहले भी बाइट कर चुकी है, मेरे को इंजेक्शन लग चुके हैं, तो उसका मूड स्विंग्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मॉम से प्यार करती है. एंड आई थिंक लास्ट एपिसोड ऐसे ही होता है, एंड प्रिंसेस इज वेरी वेरी ओल्ड एंड शी कांट हियर प्रॉपरली एंड वो रिएक्ट नहीं करती अब कुछ भी ज्यादा, वो एक ही जगह पे बैठी रहती है. एंड मतलब उसको ऐसा होता है ना कि अपना स्पेस चाहिए होता है, वो अपने स्पेस में ही रहती है. सो शुगर इज द ओनली वन हु गिव्स अस थोड़ा सा भाव. ओके गाइस दैट वाज इट. So this brings us to the end of the podcast, you guys. Just be safe and be happy. Yes. Sending good vibes and love your way. Check up on your friends and your mental health as well, because that's very important nowadays. Yes. So just stay happy. And even if you're going through something right now, just know this is all going to be over one day. And start diverting your mind. Hum sab jaakar bahar pasta khayenge ek din. वही उसी थॉट को होल्ड करके इमेजिन करो और वो जल्दी जल्दी गार्लिक ब्रेड विद कॉस्मोपॉलिटन ओह माय गॉड.
Okay, so guys. Bye. And please make sure to subscribe to our podcast on YouTube as well, plus on Spotify. And yeah, please give us good reviews. We're going to see you in the next one. Bye, guys.